हेलो गुड मॉर्निंग एंड टुडे टॉपिक इज आर्टिकल्स। आज हम किसके बारे में बात करेंगे? आर्टिकल्स। यू नो वेरी वेल कि आर्टिकल्स भी हमारे इंग्लिश का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। व्हेन आई स्पीक एनीथिंग तो हम थिंक अबाउट दैट कि कहाँ पर मैं ए लगाना है, कहाँ पर हमें एन लगाना है, कहाँ पर हमें द या दी लगाना है, द और दी। अब आप सोच रहे हो द दी क्या होता है, तो स्पेल तो इसकी डी एच ही होता है, जिसको हम कहीं पर द और कहीं पर दी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द या दी। आर्टिकल्स हमारे टू टाइप्स होते हैं, डेफिनेट होता है, डेफिनेट और इनडेफिनेट। आर्टिकल्स होता क्या है? एंड आर्टिकल इज अ वर्ड दैट मॉडिफाई अ नाउन। जो किसको मॉडिफाई करता है? नाउन को एलैबोरेट करता है या मॉडिफाई करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? आर्टिकल। काइंड ऑफ एडजेक्टिव, काइंड ऑफ आर्टिकल्स के बारे में बात करें तो आर्टिकल्स के कितने टाइप होते हैं? टू होते हैं, एक होता है डेफिनेट और एक होता है इनडेफिनेट। तो फर्स्टली हम बात करेंगे ए और यानी अ और एन की। इसकी अ एंड एन, कहाँ पे हमें अ लगाना है और कहाँ पे हमें एन लगाना है। जैसे हम शुरू से इन केजी या प्री प्राइमरी क्लास से पढ़ते आते हैं तो वहाँ पे हमें क्या बता दिया जाता है कि कुछ वर्ड होते हैं जो कि वॉवल वर्ड होते हैं, ए ई आई ओ और यू। हमें पढ़ाया जाता है कि यदि हमारा वर्ड इन लेटर से स्टार्ट होता है तो हम क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। और बाकी के वर्ड को हम कौन से नेट बोलते हैं? तो ये टोटल वर्ड कितने हैं हमारे? फाइव। कितने हैं? फाइव। और अदर हमारे कितने होते हैं? कौन से नेट? और जो कि हमारे कौन से होते हैं? बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस पी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इतना ही पढ़ा ना, इसको हम कॉन्सनेंट बोलते हैं, इसको वॉल साउंड बोलते हैं, वॉल साउंड बोलते हैं, स्वर बोलते हैं। स्वर का स्वर जो होते हैं उसमें साउंड वही होना चाहिए। अब थोड़ा डीप में पढ़ते हैं। ए ई आई ओ यू से तो स्टार्ट होते हैं लेटर, बट उसका जो साउंड है ना हिंदी के साउंड के अकॉर्डिंग आना चाहिए। अ से लेकर बड़ी अंग यानी अंगों तक कहाँ तक आना चाहिए? जब हम उसे साउंड को पढ़ें, जब हम उस लेटर का प्रोनाउंसिएशन करें तो उसका साउंड क्या देना चाहिए? अ से लेकर अंग तक का हम डिसाइड करेंगे। डोंट थिंक अबाउट दैट कि वर्ड हमारे कॉन्सनेंट से स्टार्ट है या किससे स्टार्ट है, वॉवल साउंड से, लेकिन हमें फोकस इस पर करना है उसका साउंड क्या है। साउंड तो अगर हमारा साउंड इनमें से किसी को देगा या अ ई उ ए ये साउंड देगा तो हम ना क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। अगर अब ए की बात करते हैं, ये टोटल कॉन्सनेंट वर्ड हमारे कितने होते हैं? 21 होते हैं। कितने होते हैं? 21। टोटल अल्फाबेट कितने होते हैं? 26। फाइव कितने होते हैं? वन। और 21 होते हैं कॉन्सनेंट साउंड है जो हम केवल और केवल लेटर के अकॉर्डिंग में डिवाइड किए हैं। तो बट ये ज़्यादा होते हैं, 20 और 22 का सीरीज होता है। अगर किसी बात की जहाँ पे हमारा बी का साउंड ब देगा तो पुट करेंगे ए यानी अ। सी का साउंड क च श, अगर ये साउंड देगा तो हम क्या लगाएंगे? अ लगाएंगे। अगर डी का साउंड ड तो ए लगाएंगे। एफ एफ ओ कौन सा साउंड आ गया? स्वर। कौन से नेट आया? वॉवल साउंड आया, वॉवल साउंड आया। और जब वॉवल साउंड आया तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर? एन। क्या लगाएंगे? एन। जब एफ का साउंड या तो एफ देगा तो हम एन लगाएंगे और यदि फ देगा तो हम इसका साउंड ए लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ये फ देगा एफ यानी एफ से तो हम क्या बनाएंगे? फ बना सकते हैं ना, फतेहपुरिया है ना, तो एफ बना सकते हैं, फतेहपुर सीकरी तो एफ बना सकते हैं ना। अगर हमें ये किसका साउंड देगा? कॉन्सनेंट साउंड देगा।
तो हम क्या लगाएंगे, अ लगाएंगे और बॉल साउंड देगा यानी बबल साउंड देगा तो हम उसमें एन लगाएंगे, जी जी यानी ज और ग, ज और ग का साउंड देगा तो ए लगाएंगे, एच का साउंड अ देगा तो ए लगाएंगे, एच देगा तो एन लगाएंगे, ज का ज साउंड देगा तो ज का ए लगाएंगे, क का क एल एल साउंड देगा तो क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, ठीक है, एम एम साउंड देगा तो एन लगाएंगे और म साउंड देगा तो क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, एन साउंड देगा तो एन लगाएंगे और न साउंड देगा तो क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, प साउंड देगा तो ए लगाएंगे, ठीक है, पी पे भी और पा पे भी ए ही लगाएंगे, क्यू क्या साउंड देगा, क्यू तो क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, आर साउंड में आर एन लगाएंगे और र साउंड पे अ लगाएंगे, एस एस साउंड आने पर ए लगाएंगे एन लगाएंगे और उसके बाद स साउंड देने पर आ लगाएंगे, वी वी साउंड देने पर हम क्या लगाएंगे, ए साउंड, डब्लू 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 डा आ गया तो और लगाएंगे, एक्स एक्स एन और जाइलो ज साउंड देगा एक्स का तो क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, जाइलोफोन किस से स्टार्ट होता है, एक्स से स्टार्ट होता है तो क्या आएगा यहाँ पर, क्या आएगा, जाइलो तो क्या आएगा, आ साउंड आएगा और एक्स आएगा तो एन साउंड आएगा, वाई वाई वा तो ए साउंड आएगा, जेड या जी तो यानी कि साउंड क्या आएगा, आ आएगा, तो अब आई होप कि आपको ये चीज क्लियर आ गई होगी कि कहाँ पे मैं एन लगाना है और कहाँ पे मैं आ लगाना है, यदि ये साउंड हमारे बॉल साउंड यानी स्वर साउंड देगा तो हम एन लगाएंगे, कॉन्सनेंट यानी कि व्यंजन साउंड देगा तो हम क्या लगाएंगे, आ लगाएंगे, हम उसके लेटर पर नहीं जाएंगे, हम उसके लेटर से नहीं जाएंगे, हम किसकी बात करेंगे, उसके प्रोनंसिएशन की, उसका जो प्रोनंसिएशन है वो क्या कहता है उसके अकॉर्डिंग हम वर्ड आए, कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, डन, अब जैसे मैंने बोला यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, यूनि या साउंड है ना, और यहाँ पे हमने बोला अम्ब्रेला, क्या बोला, अम्ब्रेला, यहाँ पे साउंड क्या आया, अ, तो क्लियर डिफरेंस समझ में आया, यहाँ पे साउंड क्या दिया उसने, य, तो य हमारे क्या होता है, कॉन्सनेंट साउंड होता है, कॉन्सनेंट साइन को हमने बताया कि अ लगाएंगे, और यहाँ पे हमने साउंड क्या लिया, अ, तो आपके अकॉर्डिंग साउंड क्या आएगा, एन आएगा, क्लियर है, कोई दिक्कत, और मैंने ये वन है ओ से स्टार्ट है तो हम तो एन लगा देंगे क्या, वन रुपी नोट है ना, तो बताओ एन लगा देंगे क्या, नहीं, क्योंकि इसका साउंड तो व दे रहा है, वन बोल रहा है और वन बोल रहा है तो हम क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे, अ लगाएंगे, क्या लगाएंगे, अ लगाएंगे, आई होप कि आपको ए और एन क्लियर समझ में आ गए होंगे, अब हम बात करेंगे द की, किसके लिए बात करेंगे, द, डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल पढ़ रहे हैं ना, आर्टिकल्स हमारे कितने होते हैं जिनको डिटरमिनेंट के रूप में भी पढ़ते हैं, और यहाँ पे हमने क्या क्लियर कर दिया, ए और एन यानी आ और एन के बारे में पढ़ लिया, अब डेफिनेट आर्टिकल हमारा होता है बेटा द, ये कौन सा आर्टिकल होता है, डेफिनेट, अब स्टार्टिंग करते हैं स्पेसिफिक, स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है, कोई चीज महत्वपूर्ण है, विशेष है, स्पेशल है, किसी इंडिकेट करता है, कोई नाउन है जो कि स्पेसिफिक है, एक की तरफ इंडिकेशन करता है, तो वो हमारा वहां पर क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे, अब दा कैसे लगाएंगे, कि जैसे कोई चीज मैंने बोल दी, प्लीज क्लोज द विंडो, क्या बोला मैंने, प्लीज क्लोज
विंडो, ये बात है, यानी कि कोई रूम में कहीं बैठा है और वहां पर एक दरवाजा है और दरवाजे के लिए बोला है कि उसको बंद करना है, तो उस डोर इस विंडो के लिए बोला है ना, खिड़की के लिए बोला है, तो ये स्पेसिफिक हुई या नहीं हुई? तो हमने क्या लगा दिया? द लगा दिया। बात सुनाई? यानी किसी भी थिंग्स के बारे में, हम किसी भी नाउंस के बारे में बोल रहे हैं और इंडिकेशन करते हुए बोलते हैं कि वो जो दरवाजा है ना उसी को बंद करना है, वो जो खिड़की है उसी को ओपन करना है। समझ में आई बात? तो ये स्पेसिफिक हो, क्या हो गई? ये स्पेसिफिक। सेकंड है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में हमने पढ़ा था कि जहाँ पे सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, देन वहाँ पे द लगाया जाता है, फिर मोस्ट या ईएसटी वर्ड को ऐड करते हैं और फिर उसके बाद एडजेक्टिव वर्ड ऐड करके ऑब्जेक्ट लगा दिया जाता है। जैसे सचिन इज द बेस्ट प्लेयर, सचिन इज द बेस्ट प्लेयर इन क्रिकेट टीम। क्रिकेट टीम में बेस्ट प्लेयर कौन है? सचिन है, और वो द लगा दिए यहाँ पर, और यहाँ पे हमने बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री लगा दी। तो बेटा ये क्या हो गई? सुपरलेटिव डिग्री। अगर किसी एडजेक्टिव वर्ड से पहले मोस्ट लगाया या ईएसटी वर्ड लगाया, मोस्ट लगाया या ईएसटी वर्ड लगाया, तो क्या हो गया हमारा? मोस्ट हो गया या ईएसटी वर्ड हो गया, तो सुपरलेटिव हो गया। क्लियर? सुपरलेटिव डिग्री में हम द लगाएंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा सुपरलेटिव कब होगी, तो या तो उसमें ईएसटी लगा होगा या मोस्ट लगा होगा, या तो टॉलेस्ट लगा होगा या मोस्ट ब्यूटीफुल लगा होगा, टॉलेस्ट लगा होगा या मोस्ट ब्यूटीफुल लगा होगा। नेक्स्ट, पर्टिकुलर कॉमन, कोई कॉमन चीज है, और लेकिन पर्टिकुलर एक कॉमन चीज के बारे में कॉमन, और जैसे टिफिन है या इरेजर है या पेंसिल है ना, पर्टिकुलर वाली रूटीन में आती है, वो कॉमन हो गई। जैसे मैंने बोला दिस इज द टिफिन दैट योर मदर हैज सेड, ये है मम्मी के ने जो टिफिन दिया है, नहीं वो टिफिन है, एक कॉमन से। जैसे लंच में आपके पास टिफिन आता है ना, तो आया कोई भी और क्लास में बोला दिस इज द टिफिन, है ना, ये वो टिफिन है, जो भी किसने भेजा है, किसने भेजा है? मम्मी ने। तो दिस इज द टिफिन, फिर क्या बोला उसने कि दैट योर मदर हैज सेंट, जो कि आपने मम्मी ने भेजा, तो कॉमन हो गया ना, टिफिन एक कॉमन चीज हो गई, तो कॉमन के लिए हम क्या लगा देंगे? हिस्टोरिकल मूवमेंट, हिस्टोरिकल बिल्डिंग है ना, हिस्टोरिकल बिल्डिंग हमारी जैसे बताओ ताजमहल है, लाल किला है, नाहरगढ़ है, ठीक है, ये हवा महल है, और बताओ फतेहपुर सीकरी है, और मस्जिदें हैं, कुबदत इस्लाम है, ये क्या है हमारे हिस्टोरिकल बिल्डिंग है या नहीं है? तो ये हमारे क्या हो गए, इनमें हम क्या लगाएंगे? इतना लगाएंगे निकोरी के नाम से गंगा यमुना यमुनोत्री, ये सारी ब्रह्मपुत्र सरस्वती सतलज नर्मदा, ये रिवर है, रिवर से पहले क्या लगाएंगे? दा लगाएंगे। बुक्स, किसी बुक्स के नाम से पहले जो फेमस बुक है, रिलीजियस बुक है, द कुरान, द रामायण, द महाभारत, ये क्या है? बाइबल, इनसे पहले क्या लगाएंगे? दा लगाएंगे। क्या लगाएंगे? दा लगाएंगे। इवेंट, कोई इवेंट हुआ, इवेंट का मतलब कोई घटना हुई, कोई इंसिडेंट हुआ, ठीक है, उस घटना से पहले क्या लगाएंगे? दा लगाएंगे। कोई इवेंट, कोई इवेंट कोई बताएगा, कोई कैसे इवेंट हो सकता है? बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, है ना, कोई बैटल है तो वो क्या है? इंसिडेंट है ना, घटना है ना, तो क्या लगा दिया? दा लगा दिया। न्यूज पेपर का नाम, न्यूज पेपर तो सबके घर में आते हैं, सब बताएंगे किसके घर में कौन सा न्यूज पेपर आता है, ठीक है, जैसे हमारा क्या है, हिंदुस्तान है, भास्कर है, ये सारी क्या है? न्यूज पेपर के नेम्स हैं। और जब हमें किसी सेंटेंस में न्यूज पेपर के नेम्स दिखाई देंगे तो क्या लगाएंगे? दा लगाएंगे। अभी क्या है? क्वेश्चन, क्वेश्चन मीन्स क्या होता है? क्वेश्चन मीन्स क्या होता है? महासागर। अगर किसी महासागर के नाम आएगा तो क्या होगा? कोई नाम बताओ मुझे, ओशन का नाम बताओ, मुझे याद नहीं आ रहा, बताओ। इंडियन ओशन और आर्कटिक ओशन, तो ये हमारे ओशन है। ओशन के नेम से पहले क्या लगाएंगे? दा लगाएंगे। सी के नेम से पहले दा लगाएंगे, रिवर के नाम से पहले दा लगाएंगे, ओशन के नाम से पहले दा लगाएंगे, रिवर के नाम से पहले दा लगाएंगे,
कोई बिल्डिंग है उसके नाम से पहले द लगाएंगे, तो इसमें की चीजें उनके पहले द लगाएंगे, कॉमन चीजें उसके लिए द लगाएंगे। आप ट्रेन, किसी ट्रेन, अभी वंदे भारत चली है ना, तो क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। ट्रेन के नाम बताओ मुझे, ट्रेन के नाम बताओ, दैनिक भास्कर, दैनिक भास्कर, तो वंदे भारत और जम्मू एक्सप्रेस और शताब्दी एक्सप्रेस और ट्रेन की नेम मेंशन करेंगे। और जब ट्रेन की नाम चर्च करेंगे तो उससे पहले क्या लगाएंगे, लगाएंगे। सोचो शिप के नेम, शिप के नेम तो नहीं आते मुझे, सोचो शिप के नाम क्या होंगे, उनसे पहले क्या लगाएंगे, डा लगाएंगे। आप मुझे क्या बताएंगे, न्यूज़पेपर के नेम और ट्रेन के नेम। डायरेक्शन कितनी होती है, 12 होती है ना, 4 होती है, कौन सी होती है, कितनी हो गई, 4। इनके नेम से पहले क्या लगाएंगे, इनके नेम से पहले या डायरेक्शन से पहले, डायरेक्शन से पहले क्या लगाएंगे, कोई थिंग से ओनली वन है ऑल द वर्ल्ड, इस संसार में हम लेके चीज है, बताओ मुझे क्या है, सन मून क्या लगाएंगे, जुपिटर क्या लगाएंगे, अर्थ, मार्स, वीनस क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे। अब सिंगुलर नाउन विच प्रेजेंट फुल थिंग, सिंगुलर नाउन काउ, डॉग, कैट, बफेलो, ये सारी, लेकिन पूरे सभी क्या कहते हैं, काउ भी ग्रास खाती है और बफेलो भी खाती है। काउ यानी सभी काउ के बारे में सब की क्लास बताकर, सभी घास खाती है, एक नहीं जो ब्लैक कलर की काउ है वही घास खाएगी और दूसरी नहीं खाएगी। तो द काउ ईट ग्रास, द काउ ईट ग्रास, तो यानी कि द मैंने लगा दिया। द लगाने का मतलब है कि जो दुनिया में जितनी भी काउ है ना, जितनी भी काउ है वो सारी क्या खाती है, ये इस काउ की क्लास को प्रेजेंट कर रहा है, यानी ओवरऑल प्रजाति काउ की, तो हम क्या लगाएंगे, द। अगर मैं पूरे डॉग्स के बारे में बताऊंगी बात करते हैं तो क्या है, द। कैट्स के बारे में बताऊंगी वो म्याओ करते हैं तो क्या लगाऊंगी, द। कंट्रीज के नेम से पहले द लगाते हैं, कंट्रीज के नेम से पहले क्या लगाएंगे, द। कंट्रीज का नेम क्या होता है हमारा, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। उसके बाद सुपरलेटिव, अभी हमने क्या पढ़े, ए एन द। आर्टिकल्स, आर्टिकल्स कितने होते हैं, दो होते हैं, कौन कौन से होते हैं, डेफिनेट और इंडेफिनेट। डेफिनेट आर्टिकल कौन से होते हैं, द, और अ और एन क्या होते हैं, इंडेफिनेट। डन, अभी आपका होमवर्क है, मुझे सेंड करें, ओके, डन।